बकाया वेतन ना दिए जाने के विरोध में पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। आज पूर्वी दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों ने कृष्णानगर से विधायक एसके बग्गा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की वेतन और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने शनिवार को आप विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन कर दिल्ली सरकार और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही, इसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, दिल्ली सरकार ने उसे भी झुठला दिया। पहले उन्होंने कहा 16 तारीख को हम पैसे देंगे, उसके बाद कहा 17 तारीख को पैसे देंगे, अब कह रहे 25 तारीख को पैसे देंगे। अब चूंकि एसके बग्गा जो कृष्णनगर के विधायक हैं, ये भी दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बात को वहां रखी जाए और जल्द जल्दी भुगतान किया जाए, क्योंकि सारा का सारा मामला क्लियर हो चुका है। निगम प्रशासन का भी कह रहा है दिल्ली सरकार की ओर से पैसा मिलेगा तो हम लोगों को पैसा दिया जाएगा। जब तक हमारी मांगों में, जैसे हमारा बकाया एरियर है, हमारे डीए हैं, हमारे बच्चों की ट्यूशन की फीस है, जो हमारे कभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन सबका भुगतान होना है। लोगों को पक्का करने वाली बात है, सारे फंड के ऊपर डिपेंड है। जब तक दिल्ली सरकार फंड नहीं देगी, ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहने वाली है। पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारियों की माने तो उनका कहना है कि उनका वेतन काफी वक्त से रुका हुआ है, जिसे दिल्ली सरकार रिलीज नहीं कर रही, जिसके कारण ना तो ये कर्मचारी अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर पा रहे हैं और ना ही घर में अनाज। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कृष्णा नगर से विधायक एसके बग्गा का पुतला भी फूंका। देखिए, ऐसा है, हमने चाहते पब्लिक भी परेशान हो, ये अनिश्चितकालीन है, 25 तारीख की डेट है, 25 तारीख का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हमको डिसीजन ले सकते हैं इस मामले में। लगातार दिल्ली एक बार फिर कूड़ा कूड़ा होती जा रही है कहीं। देखिए, हम लोग मजबूर है, पब्लिक से माफी चाहते हैं, हमारी भी तो पेट की लड़ाई है, हमारे भी तो घर यहाँ है, हमारे खुद घरों में एक फुट पानी भर चुका है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। पब्लिक को चाहिए सहानुभूति के तौर पर हम सबसे संपर्क करें, चीफ मिनिस्टर से संपर्क करें, ताकि मांगों जल्दी पूरा किया जा सके। प्रदर्शन के चलते पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। फिलहाल सफाई कर्मियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी।